फिलेडेल्फिया का लास्ट व्लॉग है ये दो पार्ट पे आएगा। यह है इंडिपेंडेंस विजिटर सेंटर, यहाँ से टिकट लेना पड़ते हैं। अभी कोविड के लिए ऑनलाइन पहले रिजर्व करके टिकट खरीदना पड़ता है, नहीं तो मेरे हस्बैंड पहले जब दो तीन बार आए थे फिलाडेल्फिया पे तो डायरेक्ट आके टिकट लिए थे। तो हम लोग भी इसीलिए डायरेक्ट आके टिकट लेने का कोशिश किया पर नहीं मिला। इसीलिए जो लिबर्टी बेल सेंटर है और भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हाथ पे टाइम था फिर भी हम लोग पूरा नहीं देख पाए क्योंकि ऑनलाइन रिजर्व करके नहीं आए। तो आप लोग अगर आओ, अमेरिकन हिस्ट्री के लिए आपका कोई इंटरेस्ट है, अमेरिकन हिस्ट्री जानने का आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप लोग ज़रूर आना। और आप लोग अगर आओ तो यहाँ पे आके टिकट लेने का कष्ट नहीं कीजिएगा, पहले से ऑनलाइन टिकट रिजर्व करके टिकट ले लीजिएगा। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, ये है मैप, यहाँ से मैप फ्री पे मिलते हैं तो मैप लेके देखते हैं। लिबर्टी बेल सेंटर जाएंगे, इंडिपेंडेंस हॉल जाएंगे, ये सब देखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें रखा है, वो भी देख रही थी। हाय फ्रेंड्स, आज है 8th of November मंडे, आज है लास्ट डे ऑफ फिलाडेल्फिया। हम लोग अभी लिबर्टी बेल सेंटर पे जा रहे हैं। लिबर्टी बेल सेंटर यहाँ का एक आइकॉनिक प्लेस है और फिलाडेल्फिया फर्स्ट कैपिटल था यूएसए का। यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए साइन हुए थे, इसके बारे में बाद में और भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी लिबर्टी बेल सेंटर पे चलते हैं। वाशिंगटन डीसी बाद में कैपिटल हुआ, पहले फिलाडेल्फिया ही कैपिटल थे। चलिए अभी चलते हैं लिबर्टी बेल सेंटर पे। अमेरिकन हिस्ट्री का बहुत सारा पहलू ये सब बिल्डिंग पे आके आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिबर्टी बेल सेंटर को देखने से पहले, लिबर्टी बेल को देखने से पहले आप लोगों को प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन का घर का बेसमेंट दिखेगा। तो ये अच्छा करके इन लोगों ने रख दिया है, बेसमेंट ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन्स ओल्ड हाउस लिख के इन लोगों ने रख दिए है, बहुत अच्छा करके प्रिजर्व किया। ये सब देख के ना कभी कभी मुझे लगता है इंडिया पे इतना सारा हेरिटेज बिल्डिंग्स है, इतना सारा मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कुछ का संरक्षण बहुत अच्छा तरीके से किया जा रहा है, कुछ का बहुत नेग्लिजेंसी पे कुछ चीज़ खराब हो रहा है। तो अगर हम लोग भी अच्छा करके इंडिया पे रखते सब कुछ तो अच्छा होता ना, तो उससे कुछ इनकम भी होते थे, हो सकते थे, मतलब लोग टिकट लेके देखने के लिए जाए तो इनकम भी होते, मेंटेनेंस भी होता है, टूरिज्म भी होते हैं। तो देख के थोड़ा अफसोस होता है, देखो ये जगह कितना सुंदर करके सजा के, सारा हिस्ट्री लिख के पिक्चर उठा के अच्छा करके रखे है। जैसे अमेरिका का हिस्ट्री का एक पहलू है कि इंडिया पे जैसे ब्रिटिश इन्वेट किए थे, इंडिया का आज़ादी छीन लिए थे, वैसे अमेरिका का भी आज़ादी छीन लिए थे एक टाइम पे। तो अमेरिका ने फ्रीडम फाइट करके अपना आज़ादी वापस ले लिया, वो एक पहलू है। और है जो स्लेव्स होते थे, बॉन्डेड लेबर, जो दास सिस्टम होते थे, उसका जो उससे फ्रीडम मिलना, जो बॉन्डेड लेबर्स है उन लोगों को फ्रीडम मिलना, वो जो फ्रीडम फाइट, वो भी एक पहलू है। और है यहाँ पे लेडीज़ को वोट देने का राइट नहीं था, वो वोट लेडीज़ ने पाया। और होमोसेक्सुअलिटी, गे, लेस्बियनिज्म, तो जो ये चीज़ है, ये इसका भी जो फ्रीडम पाया, ये सारा कुछ लेके ही अमेरिकन हिस्ट्री है। और लिबर्टी बेल का जो हिस्ट्री है, लिबर्टी बेल आप देख रहे हो 1776 का, इसका जो मेजरमेंट है, इसका वेट, सब कुछ मैंने फ़ोटो उठा के दे दिया। यहाँ पे जो फ़ोटो था उससे फ़ोटो लेके मैंने दे दिया, ये व्लॉग की इन पे सारे फ़ोटो होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है अमेरिकन हिस्ट्री का, एक छोटा सा आइडिया आपको मिल सकता है ये व्लॉग देख के। मैंने तो रुक रुक के बहुत टाइम लेके पूरा जो जो लिखा है सब कुछ पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, यहाँ पे एंट्री लेने से पहले आप लोगों को थोड़ा सिक्योरिटी चेकिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। और मैं पॉलिटिकल साइंस पे मास्टर डिग्री किया, तो
ये सब चीजें मुझे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। चलिए और थोड़ा घूम के देख लेते हैं। और ये है वो फेमस लिबर्टी बेल, इसको ही देखने के लिए आए हैं। ये व्लॉग के एंड पे ना मैं बहुत सारा पिक्चर दे दूंगी, आप देख सकते हो। और मैंने कुछ कुछ जैसे ऐसे रेड बस के सामने खड़ा होके भी पिक्चर उठाया, और लिबर्टी बेल के बारे में, अमेरिका का हिस्ट्री के बारे में अंदर जाके जो जो मैंने देखा है, जो जो पढ़ा है, उसका भी पिक्चर उठाया। तो अगर आप में कुछ नया जानने का इच्छा है, नया सोचने का इच्छा है, इनक्विजिटिवनेस है, तो आप देख सकते हो। ये जो फोटोज़ मैंने व्लॉग के एकदम एंड पे डाला है
वो पढ़ के भी आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया आएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ये 3-4 घंटा का व्लॉग हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। और ये जॉर्ज वाशिंगटन के स्टैचू के सामने सारे लोग पिक्चर उठा रहे थे यहाँ पे आके, तो हम लोगों ने भी थोड़ा पिक्चर लिया, खुद का नहीं मतलब इनका थोड़ा पिक्चर हम लोगों ने भी लिया है, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए 2-स्टोरी पास सिटी साइट सीइंग फिलाडेल्फिया, ये भी अच्छा लगा देख के। तो चलिए अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर एक जगह है वो भी देख लीजिए, और ऑपोजिट पे देखिए कितना बड़ा वाला सुंदर सा ग्राउंड है। ये जगह ना बहुत सुकून मिलेगा अगर आप आओ तो। मेरे पीछे है इंडिपेंडेंस हॉल, ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है तो हम अभी आके टिकट नहीं ले पाएंगे। हमने कोशिश भी किया है विजिटर सेंटर पे जाके, पर पहले मेरे हस्बैंड पहले भी फिलाडेल्फिया कई बार आए हैं ऑफिस के काम से, इस बार जैसे हम सिर्फ ट्रिप के लिए आए थे पहले भी वो ऑफिस के काम से आए हैं तो तब ना आके टिकट ले सकते थे। अभी सब कुछ चेंज हो गया तो ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है तो अंदर नहीं जा पाएंगे। पर ये इंडिपेंडेंस हॉल पे ब्रिटिश से अमेरिका जब इंडिपेंडेंस पाए थे, मतलब ब्रिटिश इन्वेट किए थे यूएसए को, और जब अमेरिका खुद का इंडिपेंडेंस लौट पाए तब ये इंडिपेंडेंस हॉल पे साइन हुआ था इंडिपेंडेंस का। तो इसका महत्व बहुत है, जैसे हमारे देश का इंडिपेंडेंस का गरिमा एक अलग ही है, क्योंकि जो बोलते हैं ना खाद्य वस्त्र वासस्थान, मतलब आपका फूड, आपका कपड़ा और माथा सिर का जो छत, आपका घर, उसके बाद ही आते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस नहीं होते हैं तो इंसान का जीने का कोई मायने ही नहीं रहता है। तो अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिले थे और साइन हुआ था इस इंडिपेंडेंस हॉल पे। इसका ऑपोजिट ही है लिबर्टी बेल का सेंटर, जहाँ पे हम लोग लिबर्टी बेल देख के आए हैं वो सेंटर है। तो ये जगह का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, और एक बार देख लीजिए आप लोग। ये है लिबर्टी हॉल, लिबर्टी बेल यहाँ पे है। ये लिबर्टी बेल का फ्री टिकट मिलते हैं, पैसा नहीं लगता है, पर इसका पैसा लगता है। हमने कोशिश तो किया पर नहीं मिला, और मिलेगा भी तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। तो आज तो हमारा 5 बजे का या 5 बजे का फ्लाइट है तो इसीलिए आज पॉसिबल ही नहीं होगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अंदर ज़रूर जा पाएंगे नेक्स्ट टाइम, पर बाहर से देख के मुझे अच्छा लग रहा है। लिबर्टी बेल से थोड़ा निकल के बाजू पे ये वाला बिल्डिंग है तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए इसका जो एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, कितना अच्छा है। और यहाँ पे इतना सारा फॉल कलर्स दिख रहा है ना, येलो कलर कितना सुंदर दिख रहा है, इतना सारा पेड़ पौधा, ठंडा, इतना सनी डे है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत टायर्ड हूँ अंदर ही अंदर, पर फील कर रही हूँ बहुत अच्छा। फाइनली हम लोग इंडिपेंडेंस हॉल के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे मास्क उतरना मना है इसीलिए थोड़ा जोर जोर से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी अंदर जाएंगे तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। मेरा स्किन पे तो बहुत टैन हो गया, मैं बहुत टायर्ड हूँ, और इतना सारा मतलब विंटर का कपड़ा पहन के, आज ही हमारा फ्लाइट है, ये है 8 नवंबर 2021, तो आज ही फ्लाइट है, फिर भी ये सब देखने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर कोर्ट रूम था, वहाँ पे क्या क्या होते हैं तो एक इंसान आके बोल रहे थे, जज कहाँ पे बैठते थे, सब कुछ दिखा रहे थे उस ज़माने का, तो बहुत अच्छा लगा देख के। थोड़ा सोचा मैंने आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना।
जॉर्ज वाशिंगटन। तो अभी पिक्चर देख लीजिए, ये जगह तो बहुत सुंदर। यहाँ पे एक घोड़े का जो गाड़ी होते हैं ना, हॉर्स कार, वो भी मैंने देखा है। और अभी आप लोग सारा सुंदर सुंदर पिक्चर देख लीजिए, मतलब जो जो पिक्चर, ये है एंट्रेंस फॉर द लिबर्टी बेल, और ये तो जॉर्ज वाशिंगटन के जो स्टैचू के सामने सारे लोग पिक्चर ले रहे थे। और लिबर्टी बेल का, इंडिपेंडेंस हॉल का जो जो हिस्ट्री, जितना मैं कैप्चर कर पाई वो कैप्चर करके लेके आई आप लोगों के लिए। तो देख लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा है। और इसके बाद का व्लॉग, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा, इसके बाद का व्लॉग पे फिलाडेल्फिया का टूर एकदम एंड हो जाएगा। तो चलिए बाकी सब फोटोज देख लीजिए, लिबर्टी बेल का साइज, मेजरमेंट सब कुछ देख लीजिए। तो वेट टिल नेक्स्ट ब्लॉग।